हाय निधि। सो फाइनली इट्स डन। फाइनली हाँ फाइनली। तो चलो मैं राह देखता हूँ। 2 मिनट, ऑलमोस्ट आधा घंटा वेस्ट हो चुका है हमारा। ठीक है कि कई ऑडियंस यहाँ पर भी आई थी लेकिन जब आपको देखा नहीं तो लोग चले गए। ठीक है, सो नागराज जी हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं, तो चलिए यहीं पे अभी लाइव हैं तो मैं किसी की राह नहीं देखता। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द फर्स्ट पार्ट विल बी अबाउट योर इंट्रोडक्शन, so let my and your audience get to know about you and me also. Hi friends, my name is Nirav Hingu. I am into the handwriting analysis, into the logo designing and vastu, into the multiple modality, and I've started a series of the occult science and one-to-one interview with the expert. So aaj hamare saath mein hai Nidhi Chugh ji. She is hailing from Haryana, Gurgaon, and she is into the multiple modality just like me. She is also the handwriting expert and signature reader. Change into the numerology and face reading and also into the vastu shastra. तो आज मैंने सोचा है कि चलो सीरीज पे जब बात कर रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी पर आप लोग बोर हो गए होंगे मुझे सुन सुन कर, तो एक नया पर्सपेक्टिव जानना चाहिए किसी और के मुख से भी न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो हमारे साथ में है निधि मैम। सो हाय निधि, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम जस्ट थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्वाइट एंड सॉरी टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज्यादा आ रही थी जिसके कारण हम लोग कनेक्ट हो नहीं पा रहे थे। तो हमारे साथ में है GIAS वेब, आई थिंक दैट्स नवीन तंत्री हमारे कलीग है, वो भी ज्वाइन हुए हैं सोनाली, आई थिंक फ्रॉम योर साइड। सो निधि वेलकम टू माय इंस्टाग्राम लाइव। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग Yes, टाइम। I know. Thank you. First of all, Nirav, thank you so much for the invite and the words that you always say. Bahut hi thank you. And secondly, Nirav ne bahut kuch bol hi diya hai, so I don't need to say much about. Let's start. Okay, so Nidhi, the first question apart from your introduction, ke how you come down into this occult science? Means, can you give a brief history about yourself? Means, how you started? Means, do you enter into the occult science or into the handwriting numerology after the marriage, or there was some already pre-plan into your school and college time? That मुझे यही field में आ गए, expertise अपनी बनानी है, कुछ ऐसा planning था? How you come down into this field? Very interesting question actually. सच बताऊं तो मुझे इस field से शुरू से ही मतलब भाई छोटेपन से तो नहीं कहूंगी, but yes, जब तक समझ में आने लगी चीजें मुझे शुरू से ही interest बहुत था कि हाउ कैन somebody predict. जब हम जाते थे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, उस टाइम तो एस्ट्रोलॉजी कम थी, पास तो बहुत अच्छे एंड सही predictions I have seen people doing and मेरी लाइफ में उसका इफेक्ट बहुत देखा मैंने. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट एज ऑफ 18 मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग से स्टार्ट किया, जिससे मैंने वास्तु पूरा सीखा. वास्तु बहुत माना जाता था इन दैट सोसाइटी, तो मेरा हुआ 5 years I did that. फिर आई शिफ्ट मैरिड के शिफ्टेड अब्रॉड, सब कुछ वो इंटरेस्ट कभी नहीं गया प्रोफेशनली. उसके बाद मेरा एक इवेंट भी केम बैक टू इंडिया एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट अब बच्चे के एज एज माय प्रोफेशन. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. ओके, सो दिस इज सच अ साइंस आई फील जिसका कोई एंड नहीं है, जितना सीख ले उतना लगता है कि अब थोड़ा और कुछ कर ले. हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो निधि, व्हाट इज द फर्स्ट मॉडलिटी यू अडॉप्ट टू गेन योर नॉलेज? आई थिंक जितना मुझे पता है आई थिंक पहले आप हैंडराइटिंग में आए थे. बिल्कुल स्टार्ट विद, तो आपने हैंडराइटिंग एनालिसिस कहाँ से किया? मैंने हैंडराइटिंग एनालिसिस स्टार्ट किया था इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस यूएसए कैलिफोर्निया से, जहाँ से मैंने कोर्स किया प्रॉपर ग्राफर थेरेपी सिग्नेचर एक्सपर्टीज. एंड वहां से फिर व्हेन मैं इंडिया शिफ्ट हुई तो मैंने यहाँ पे भी 2-3 लोगों से किया टू अंडरस्टैंड. एंड फिर वन ऑफ दोस मेंटर्स वाज थ्रू आउट अ वेरी गुड पार्टनर टीम मेंबर नाउ एंड आई डोंट नीड टू से मच. ओके ओके ठीक है. तो और फिर न्यूमरोलॉजी मुझे लगता है जहाँ से मैं भी कनेक्ट हुआ था, और फिर न्यूमरोलॉजी में आपकी एक इंटरेस्ट लेवल वहाँ और भी बढ़ते गए नोएडा में जहाँ हम लोग मिले थे. या तो न्यूमरोलॉजी ऑलवेज मेरे दिमाग में इतना नहीं था जितना हैंड राइटिंग था, लेकिन जैसे जैसे मैं भी न्यूमरोलॉजी की तरफ घसीटता गया और मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, नॉट अ जनरलाइज स्टेटमेंट. सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद दोस पीपल फ्रॉम योर ऑडियंस एज वेल एज फ्रॉम माई ऑडियंस, कि व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी साइंस, ये है क्या एग्जैक्टली, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. तो ये बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या वर्क करता है, क्या ये नाम
चेंज करने से या नंबर फोन नंबर में कुछ नंबर ले लेने से क्या सच्ची में वर्क करता है? ये बहुत कॉमन, आई थिंक आपने भी फेस किया होगा, मैं भी रोज करती हूँ. दिस ऑब्वियसली वर्क करता है. सी एवरीथिंग एंड ऑफ द डे इज एनर्जी. हम उसको किस मोडालिटी से कनेक्ट करते हैं वो एक अलग पैटर्न है, अलग बात है. लेकिन ये हम एनर्जी को अपने अंदर इन्वाइट कर न्यूमरोलॉजी वो ही एक पार्ट है. कुछ नंबर्स जो हमारे पार्ट में मिसिंग है या कुछ एक्सेस में, उनको बैलेंस कैसे करें पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी. क्योंकि हम एक डेटा पॉइंट के साथ पैदा होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते. एंड दैट इज व्हाट आई फील कि हम उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं स्टिल. हाँ, तो एक और क्वेश्चन निधि मेरा आता है कि जहाँ कई बार मुझे भी पूछा जाता है कि सर मान लो दो ट्विन दो बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, ठीक है, तो क्या उनकी भी पर्सनालिटी सेम ही रहेगी, उनका भी फ्यूचर सेम रहेगा अगर डेट ऑफ बर्थ दोनों का, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा पहला 1 मिनट 12 बजकर 1 मिनट, दूसरा बच्चा 12 बजकर 3 मिनट पे 2 या 1 मिनट का. तो यहाँ पे आप क्या बताना चाहोगे, क्योंकि कई लोग इसमें आर्ग्यू भी करते हैं जो कि नाम दोनों के अलग अलग होते हैं. रिसेंटली लास्ट में मेरे पास एक केस आया था बेबी नेम न्यूमरोलॉजी के लिए, तो उन्होंने यही सोचा कि दूसरे बेबी का कराने का क्या मतलब है, क्योंकि दोनों की डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही है, नाम भले अलग अलग है. तो इस परस्पेक्टिव से आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली, लोग इसे समझते नहीं है. लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस किया है और देखा है, मैंने समझा है कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. नो डाउट उनकी बेसिक कुछ चीजें मिलेंगी, नो डाउट, क्योंकि एनवायरमेंट सेम, सब कुछ सेम होगा. लेकिन जो नाम में, नाम उनका जो डिफरेंट है, कंपाउंड नंबर डिफरेंट बना, फर्स्ट नेम नंबर जो डिफरेंट बना, वो बहुत सारे चेंजेस लाएगा आपकी लाइफ में. एंड प्लस जो अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी, मैं ये बोल सकती हूँ कि जब बच्चे एक साथ नहीं निकलते, वो 1-2 मिनट का जो डिफरेंस होता है ना, वो कई चरण उनके वो चेंज हो जाते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती है. तो आपको ट्विन्स में कुछ चीजें मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे डेस्टिनी काफी अलग होती है, जो कि अपने कर्म भी होते हैं जो पास साइड से हम लेकर आते हैं. एक्जेक्टली, यहीं पर लोग समझते हैं कर्म दोनों ही बच्चों के अलग होंगे, तो नाम अलग हो, डेट ऑफ बर्थ एक होने, लेकिन कर्म होने के कारण, कर्म के संस्कार अलग होने के कारण, कर्म फल उनका आउटकम अलग जरूर रहेगा. अब ये बात होगी कि डेट ऑफ बर्थ. अब दूसरी बात, कई लोग ये भी बोलते हैं क्या ये न्यूमरोलॉजी इंडिया का है, फ्रॉम वेयर इट डिराइव, ये कहाँ से ये इसका ओरिजिन हुआ है न्यूमरोलॉजी का, तो उस पर उसकी हिस्ट्री के बारे में जितना आप हमें बता सको अबाउट द न्यूमरोलॉजी एंड इट्स हिस्ट्री एंड इट्स ओरिजिन. इंडिया में हुआ या बाहर ज्यादा माना जाता है, एक्सक्यूज मी, इसका ओरिजिन तो इंडिया से है ही है. अगर आप वेदिक में जाएंगे और देखेंगे तो इसको बहुत तरीके से हमारे एंशियंट्स यूज करते थे, बहुत देखी जाती थी. तब तो हमारे पास ना कंप्यूटराइज सिस्टम थे ना कुछ था, टेक्नोलॉजी नहीं, फिर भी चीजें होती थी और अच्छी हमसे अच्छी होती थी, राइट. तो ये इंडिया आता है, मैं तो इसे ऐसे ही मानती हूँ, समझती हूँ. यस, लेकिन एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, इन सब से भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती है. पर अगर रूट पूछते तो मेरे, तो अगर क्योंकि बहुत सारी सिस्टम्स भी हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर में, पाइथागोरस है, चालडियंस है, केरला समरसार पद्धति है, ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा कौन सा सिस्टम को प्रेफरेंस देती हो या कौन सा सिस्टम आप ज्यादा यूज करना चाहते हो? देखो, मैं जब प्रेडिक्शन करती हूँ तो मिक्स करती हूँ. तो जब मैं नेम करेक्शन करूंगी तो करूंगी, लेकिन जब मैं प्रेडिक्शन करूंगी, कोई चीजों को समझूंगी, इवेंट्स देखूंगी, तो मैं वैदिक से देखती हूँ. ओके. तो मतलब यू आर यूजिंग ऑल द मॉडलिटीज इन न्यूमरोलॉजी. एंड इवेंट्स पे जब हम बात करते हैं तो पाइथागोरन का जो ट्रायंगल बनता है वो बहुत सारे इवेंट्स को बता के जाता है. ओके. अच्छा, क्योंकि बात ये होती है ना, अब जैसे वेस्टर्न की तरफ हम जाते हैं तो मैंने देखा वहाँ पाइथागोरस की न्यूमरोलॉजी पर ज्यादा वेटेज दिया जाता है. चालडियन भी है, लेकिन चालडियन हमारे इंडिया में आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, वो लोरसू के बहुत सारे एड्स, बहुत सारे अलग अलग चीजें इसमें आ रही है, क्योंकि लोग आपको तो पता ही होगा ये हमारा लक्ष्मी यंत्र ही तो है, लक्ष्मी यंत्र जिसको आई थिंक पहनरिया यंत्र जिसको कहते हैं. अब चारों तरफ से जोड़ दो उसको तो वो 15 की नंबर आ जाती है उसके अंदर में, ठीक है. तो ये लोसुगा हो गया, क्योंकि मुझे पिछले हफ्ते किसी ने पूछा था कि सर आप कौन सा यूज करते हैं, ये कौन सा यूज करते हैं, सारी चीजें एक ही है. तो दे वर लाइक बिकॉज द पर्सन वॉज फ्रॉम द जापान, तो उसको लगे जापान चाइनीज का लोसु ज्यादा रहता, तो
हम कंफ्यूज थे कि कौन सा न्यूमरोलॉजी चूज किया जाए. तो दे वर इंडर इम्प्रेशन कि इंडिया में है तो वो लोग लोसी यूज करेंगे कि नहीं करेंगे. तो ये भी लोगों के कंफ्यूजन होता है कि न्यूमरोलॉजी जापान का है, चाइना का है, कहाँ का है. दस रीजन आई आस्क यू द क्वेश्चन, तो लेट्स द ऑडियंस गेट क्लैरिफिकेशन कि ये इंडियन ओरिजिन का ही है और इससे डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही मिलता है चाहे कोई भी सिस्टम. मतलब डिपेंड्स ऑन द मॉडलिटी एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर बीन कंसिडरिंग. ठीक है, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो लोग न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते, क्या न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों का कनेक्शन है या नहीं है? बिकॉज यू आर हैविंग द एस्ट्रोलॉजी नॉलेज, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. देखेंगे तो जब आप जो नंबर्स आपके ग्रिड में, हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड जो प्लैनेट को मिस करता है या एक्सेस में होता है वो आपके एस्ट्रोलॉजी यानी कि आपकी कुंडली में या तो आपके किसी शत्रु ग्रह में होगा या डिग्री वाइज वो आपके लिए नीच का होगा, तो दे आर 100% इंटररिलेटेड। तो क्या ये जरूरी है कि हर न्यूमरोलॉजिस्ट को एस्ट्रोलॉजी या फिर हर एस्ट्रोलॉजर को न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजी आनी ही चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है वेरी फ्रैंकली, बट अगर आए तो आप एक एडिशनल चीज आप और वैलिडिटी के संग बोल सकते हैं। रीजन ये भी है कि जैसे कॉम्पैटिबिलिटी की बात आती है तो मैंने इंडिया में देखा स्पेशली वी आर मोर प्रोन टुवर्ड द कुंडलिनी कुंडली का मैच मेकिंग कंपेयर टू द न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी भी मैच मेकिंग होती है लेकिन जहां तक मैक्सिमम देखा है लोग हमने से यही पूछते कि मैम क्या आप कुंडली देखना जानते हो. ठीक है, तो आपके पास आप इस पर क्या बोलना चाहोगे, क्या आप कॉम्पेटिबिलिटी दोनों से चेक करते हैं या आपके पास कॉम्पेटिबिलिटी आप चेक करते हो एस्ट्रोलॉजी से करते हो या दोनों ही तरीका आपको सही लगता है? मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ और न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, क्योंकि तो अगर क्या इस एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि 36 के 36 गुण मिले, 32 गुण मिले, ऐसा आपने देखा होगा, इतना भी होगा लोगों ने, लेकिन फिर भी डाइवोर्सेस होते हैं और कहीं पे कई बार 18 भी और 19 गुण भी जो है वो लोग कहते हैं नहीं ये तो बहुत ही बेसिक है, 16 डिग्री के तो नहीं बनेगी और उनकी बहुत अच्छी चल रही होती है। इसलिए तो न्यूमरोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पे उन नंबर्स से आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअली ये चली या नहीं चली। अगर जहाँ न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी में, बिकॉज मुझे तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जो 32 में से के 36 जो भी है, इतने में से इतने गुण मिले, तो कितने गुण मिलने के बाद आप बोलते हो कि यस इट्स अ गेट टू गो, आप जा सकते हो मैरिज के लिए? कोई ऐसा स्पेसिफिक है कि 18 गुण मिनिमम मिलने चाहिए, 18 मीन्स ऑलमोस्ट 50%. उससे ऊपर जितने मिले उतना अच्छा माना जाता है, पर जैसे मैंने बोला नहीं है 32, आजकल बहुत सारे केसेस जब डाइवोर्स के आते हैं उसमें तो उनकी 32 33 मतलब अब मिल रहे होते हैं, फिर केसेस में डाइवोर्स हो रहा होता है। पर उसमें क्या रीजन होता है ना नीरव, व्हाट आई हैव सीन इज कि आपको अपना टाइम नहीं ठीक पड़ता, बहुत प्रॉब्लम वहां पे टाइम है, तो इसलिए हम एनएन थ्योरी यूज करते हैं, बट टाइम रेक क्या बोलते हैं टू अंडरस्टैंड क्या टाइम है। अब कारण ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी पे मैं बात करता हूँ. कई बार ये हुआ देखा गया है मेरे पास भी, जो डिवोर्स केसेस आते हैं वहां ये भी मैं देख रहा हूँ कि लोग मतलब आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, वो लोग कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करते हैं कुंडली में और एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास वो कुंडली जाती है और वो बेचारा या बेचारे उनको नहीं पता होता कि इसमें मैनिपुलेशन करके ये कुंडली मेरे पास आई गई है. एंड जस्ट लेटर ऑन जस्टिफाई करूंगी, इवन बच्चे कई बार जो ब्राइड एंड द ग्रूम है वो खुद आते हैं कि आप प्लीज इसे मिला दीजिए। अच्छा, क्योंकि यही लोग, हाँ यही लोग बोलते कि ये तो काम ही नहीं करता, ये तो बेकार डिवोर्स हो गया. तो देन आई थिंक किया तो फिर न्यूमरोलॉजी कहाँ गलत है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कहाँ गलत है? क्या ये दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी है, कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहे हैं? ठीक, अब जैसे आप बोल रहे हो कि बच्चे खुद आते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है जब बच्चे आपको बोलते हैं? ऑनेस्टली कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, कहीं चाहे मुझे क्लाइंट मिले ना मिले दैट्स अ वेरी सेकेंडरी थिंग, हम एक अच्छी चीज है, एक पर्पस के लिए है, लोगों की हेल्प करने के लिए है कि सही गाइड कर, तो उस पे आई नेवर सपोर्ट देम। माय आंसर इज वेरी नो कि ये मत करो, आगे जाके प्रॉब्लम करोगे, इससे अच्छे क्या समझ जाओ। अगेन कॉम्पेटिबिलिटी पर ही बात करूंगा क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी सेंसिटिव इश्यू है हमारे इंडिया में. भारत में शादी आजकल बहुत टूट रही है. तो जब क्योंकि कभी कभार मेरे साथ में केस हुआ था वही नॉर्थ इंडिया का ही, जहाँ एस्ट्रोलॉजिकली हाँ बताया गया था, पर
और न्यूमरोलॉजी से मैं जब मैंने देखा तो बहुत अच्छी चीजें थी, तो यहाँ वहां पर मैंने हाँ बोल देता एंड उनकी कुंडली में ना दिखा रहा था, तो दैट वॉज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्शन। सो इसलिए मुझे आज भी जिज्ञासा होती है कि न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए ताकि मैं इसको मैं क्लब कर सकूं और देख सकूं कि अगर दोनों की रीडिंग सेम आती है, अगर डेट ऑफ बर्थ सही है, कुंडली सही है, तो ये क्लैशेस क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये जानना है कि इश्यू कहाँ आ रहा है कहाँ। तो आपके केस में ऐसा कभी हुआ कि कुंडली यस था, न्यूमरोलॉजी नो था, या न्यूमरोलॉजी में यस आया आंसर और कुंडली में ना आया? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, बहुत बार होता है। उससे ये पता चलता है, जो मैंने देखा कि कई बार जो नाम रखा जाता है एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, वो लोग नाम बदल देते हैं, या जब नाम ओके यूज कर रहे होते हैं वो कुछ और नाम अक्षर से यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ओके ओके हैं तो वो उस चेन नेम से मिलाई जाती है। ठीक ओके है, और ओके यानी जो जन्म का। बिल्कुल जो कर्म का, अब वो मैच नहीं, अच्छा वहां पे अच्छा मैनिपुलेट करते हैं, या कह लो कि अवेयरनेस पूरी नहीं होती तो वहां पे ये प्रॉब्लम करती है। ओके बढ़िया। अभी जैसे मैंने रिलेशनशिप के ऊपर बात की है, तो यहाँ न्यूमरोलॉजी कहाँ कहाँ पर, आई विल से व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द न्यूमरोलॉजी, लेट्स द पीपल अंडरस्टैंड, नॉट ओनली फॉर द मैच मेकिंग, न्यूमरोलॉजी कौन से एरियाज पे काम करती है? न्यूमरोलॉजी, आप नीरव, आपको तो पता ही है कि बहुत एस्पेक्ट्स, हम बॉर्न ही नंबर्स के संग होते हैं। हम जब टाइम बात करते हैं, डे की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, सब चीज नंबर से ही स्टार्ट होती है। एक टाइम हुआ, एक डेट हो गई, तो नंबर कम्स विद अस फ्रॉम डे वन। इवन जब हम मदर की वूम में भी कोई बच्चा होता है, वो भी एक दिन एक टाइम पे होता है, तो इस से हम हट नहीं सकते थ्रू आउट आर जर्नी। आधार कार्ड ले लो, अकाउंट नंबर ले लो, फोन नंबर ले लो, आपका जर्सी नंबर ले लो, कहीं भी तो नंबर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। होटल में आप जो नंबर आप कंपैटिबल है, या जिसके एनर्जी आपको कर रहे हैं, वो नंबर के आपको बार बार होटल में कितने मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अभी, बट उसके एनर्जी वो नंबर आपको बार बार दिखेंगे। बहुत सारे नंबर्स के बिना हम अधूरे हैं, हम कुछ भी नहीं करते। मैं तो ये जिस हद तक, सो व्हेन आई टॉक विद द कंटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बेनिफिट्स आप बता सकते हो ऑडियंस को, मतलब कहाँ कहाँ ये न्यूमरोलॉजी हम अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, सब वन एग्जांपल पे कहती हूँ कि सपोज एंटी है, आप 8 और 9 कॉम्बिनेशन से पैदा हुए, आप 8 को पैदा हुए, 8 ऐसा नहीं है कि 8 इज अ एंटी नंबर। लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि 4 और 8 मींस की प्रॉब्लम ही आ जाएगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 8 नंबर सबसे अच्छा है, अगर आपके लिए राहु और शनि अगर अच्छे हो जाए तो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, चाहे वो एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो। हाँ तो बस हमें उन्हें एक्टिवेट करना है, अपने फेवर में लाना है। मैं ये कहती हूँ बस हमें यूज करें, इससे अच्छा हम नंबर यूज करना सीख लें, और अपने टिप्स एग्जैक्टली वो ही है तो सकते हैं अपने क्लाइंट और अपने। एग्जैक्टली सही कहा। अब मैं बात करूंगा निधि बिहेवियर पैटर्न पर, क्या हम न्यूमरोलॉजी से एक्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न पता कर सकते हैं बिल्कुल पता कर लोगों सकते, की? बिल्कुल पता कर सकते। हम जिस दिन पैदा होते हैं और जो हमारा नाम होता है, इवन उस नेम में, सपोज मेरा नाम निधि है, और एन कहाँ पे प्लेस है, आई कहाँ पे प्लेस है, किस पोजीशन पे आ रहा है, वो ही बहुत सारी चीजें बता देगा। और हमारे पेरेंट्स ने वो नाम क्यों रखा और हमें वो नाम क्यों मिला, उसके पीछे भी हमारे पास के कार्मिक रिलेशंस कनेक्शंस हैं, जो उसके थ्रू जाना है। कि मैं सोचता था कि न्यूमरोलॉजी 18 के बाद ही कर लेती, पर क्यों मैं उस प्रोसेस से गई और मैंने 33 इयर्स के बाद स्टार्ट किया। हर चीज एक टाइम, एक डिफाइंड है, तो मेरे कर्म जाने थे। आई फील एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट, तभी आप किसी सही बंदे से मिलते हो, अपने टाइम आता है, तब आप चीजें खोजने लगती हैं आपकी लाइफ में, तो एवरी प्लेज अ रोल। तो यू मीन दैट देयर इज समथिंग लाइक डेस्टिनी इवन इन टू द योर एवरी पर्सन लाइफ ऑल्सो, कि वहां पर अगर होगा तो ही आपको सही इंसान मिलेगा। डेस्टिनी को करके नहीं चलना कि ये तो मेरी डेस्टिनी में है, तो हम ब्लाइंडली बस आग बंद करके अपनी डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं। अगर जहां डेस्टिनी के आप बनाने की बात करते हो, वो बात मैं करूंगा फ्यूचर प्रेडिक्शन से, तो कैन वी प्रेडिक्ट
the future with the help of the numerology? See, I don't say we can predict the future, but yes, we can use as a guide, as a tool, कि हम कई चीजों में आपको सतर्क होके उसको आग करके नहीं करना है, but yes, उसको as a tool, as a guide जरूर use करना है. Okay. तो अगर मैं गाइड की बात करूं तो मतलब गाइडेंस इन अ फॉर्म ऑफ कैसे, पूरा साल का, 5 साल का वो गाइडेंस जो मिलता है वो कैसे आप देते हो न्यूमरोलॉजी में? सी, मैं गाइडेंस देती हूँ कि ओवरऑल पिक्चर देती हूँ कि आपका ओवरऑल फेजेस में क्या, आप किस प्लैनेट से ज्यादा अफेक्ट होंगे, क्या उसमें चेंज है आपकी लाइफ में, कहाँ पे बिग इवेंट होने के चांसेस है, और कौन से साल में आपको थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहना है, कौन से साल में आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कौन से साल आपके लिए पैसे फाइनेंशियल वाइज इस काम, इस टाइम पे आप ऐसा काम करोगे तो बेटर रहेगा. ओके. जहाँ हेल्थ की बात की, क्या हेल्थ इश्यूज भी न्यूमरोलॉजी बता सकता है बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ? टोटली बताए जा सकते हैं कि आपकी बॉडी, आप उस नंबर से आपको कौन से इश्यूज आ सकते हैं, कब आपकी सर्जरी चांसेस हैं. इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे लोग टाइम कर लेते हैं, डेट लेते हैं कि कब दिन, किस दिन मुझे करानी चाहिए अपनी सर्जरी, कि क्या मुझे करानी है, कि मैं रुक सकता हूँ, रुक सकते हैं तो. आपने और हाँ, एक बात और भी था जहाँ आपने डेट की बात कही, कि कई लोग स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, व्हेन दे वांट टू डिलीवर द बेबी, दे ऑफन आस्क्स, आई डोंट नो अबाउट द न्यूमरोलॉजी, बट इन एस्ट्रोलॉजी दे डू आस्क के कौन सी डेट पे डिलीवरी करनी चाहिए. आई मीन सी सेक्स सर्जरी की बात कर रहा हूँ, जिससे कि वो ऑस्पिशियस टाइम में ही बच्चा बाहर आए तो उसकी लाइफ अच्छी रहे. इस पर आपका क्या कहना है? देखो, इस पे मैंने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस ये किया है कि हम बहुत बार टाइम देते हैं एंड बहुत बार वो टाइम सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन बहुत बार अनसक्सेसफुल भी मैंने देखा है कि डॉक्टर उस टाइम पे नहीं आ पाया, कुछ एक ऑब्स्टिकल्स आ गए कि वो चीज नहीं हो पाई उस दिन, वो एक आधा एक घंटा चीज आगे पीछे हो गई, वो हेल्थ को कुछ और हो गए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई और वो चीज उन्हें प्रीपोन करनी पड़ी या पोस्टपोन करनी पड़ी. तब हम इसे कर्म कहते हैं कि उस बच्चे को डेस्टिनी उसकी जो होती, जो कर्म थे जो उसे लेके आने थे, हम भगवान ऑलवेज से, वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट द मीडिएटर टुवर्ड्स फ्रॉम विद गॉड के संग हम दूसरों की हेल्प, जैसे मैंने बोला कि करने के लिए है. Exactly, actually, I agree. Even the Pratimaji is also telling that yes, we create our destiny by being aware of the opportunity we crossed our path at the right time. ठीक है, तो क्योंकि ऐसा ये मैंने भी देखे, मैं मेरे को लगता है जैसे आप देखो, हम कहीं घूमने जाते हैं, हमें जगह नहीं पता, बट अगर हमें गाइड मिल जाता है तो हमें लिए वो प्रोसेस जो है, वो पाथ इजी हो जाता है. इजी हो जाता है. The same thing come with the birth also. Exactly. अगर आप उसे वैसे यूज कर रहे हो विद फुल फेथ, जिसके संग भी आप कर रहे हो, पूरे विश्वास के संग कर रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट. हाँ, अब जहाँ आप विश्वास की बात करें तो कई लोग नहीं मानते, उन लोग को चाहिए कि प्रूफ चाहिए कि न्यूमरोलॉजी सही में एक साइंस है कि नहीं. तो यहाँ एक फेथ और साइंस की जंग लड़ जाती है, तो कई लोग विश्वास करते, कई लोग विश्वास नहीं करते. दे फील कि ये सब बकवास की चीजें हैं, इससे कुछ होता नहीं मेरे लाइफ में, और मैंने जो भी डिसीजन लिए हैं, प्रैक्टिकली लिए हैं, उसमें ज्यादा सक्सेस मिली है. पर यदि अगर उस पर किसी ने रिसर्च किया जाए तो वो सक्सेसफुल इंसान भी तभी सक्सेस होता है, उसी स्पेसिफिक डेट पे उसने डिसीजन लिए होंगे जो अपने आप को प्रैक्टिकल बोलता है, और उसने अनकॉन्शियसली कई चीजें उसको फॉलो ऑटोमेटिकली करी होंगी, तभी उसके लिए कॉल हो. हाँ, तो क्या आपके सामने ऐसे कभी केस आया कि आपने किसी को कोई रेमेडी या किया है जिस इंसान को फेथ नहीं था, ना आप पर, ना न्यूमरोलॉजी पर, ना एस्ट्रोलॉजी पे, और फिर भी सफलता मिली या नहीं मिली? मतलब कुछ ऐसे इनसाइट आप दे सकते हो इसके ऊपर, फेथ और. बिल्कुल, मैं बहुत नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, लेकिन ये बहुत क्लोज सर्कल में ही मेरे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने, जो ये मानते नहीं थे शुरू में कि नहीं ये, इससे क्या होगा, इससे तुम क्या ही बता सकते, साइंस नहीं है, वो उनके लिए बेकार है. बट स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं, या बहुत सारी चीजों की, भगवान को किसी ने नहीं देखा, मानते हैं ना, ठीक है, तो वही जब उनके संग किया, उन्होंने कहा ठीक है करके बताओ, अगर ऐसा हुआ तो देख, तो जब कर रिजल्ट मिला, कि देखो जब भी बंदा कुछ उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन आएंगे, आते ही, हम सबके कर्म ऐसे, नथिंग इज परफेक्ट. और मैं ये नहीं कहती यूज करके हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी, नहीं, हम जाएंगे फिर भी उस अप एंड डाउन से, बट यस, वो प्रोसेस हमारे लिए बहुत स्मूथ होगा.
तो जब उनके संग वो किया और उन्हें रिजल्ट मिला तो दे वर क्वाइट अमेज्ड। सच्ची में हो सकता है कि हम इतनी सी चीज में ईयर नंबर अगर अपने फोन में डाल दें तो हमें तो हाँ और ये बहुत किया जाते देखे, आप रिव्यूज में देखेंगे तो दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड कि अच्छा ऐसा हुआ, थोड़ा सा फेथ उनका भी उस चीज में बढ़ा। बड़ा। हाँ, जहाँ आपने बात की नहीं थी कि ये लोग नहीं मानते थे और पीछे से मानने लगे, ठीक है। और कुछ लोग ये सोचते हैं, आपके पास भी आते होंगे, कि एक बार क्या किया अगर लाइफ लॉन्ग फिर कभी चीजें खराब होगी नहीं, तो आप इस पर क्या विचार, मतलब क्या विचार दोगे अपने, कि नहीं लाइफ लॉन्ग ये रहता है ऐसा या फिर बारंबार, बिकॉज पीपल कम विद दैट फिर टू मी ऑल्सो। आई से आप डॉक्टर के पास जाते हो एक स्पेसिफिक दवाई लेने, वो आपको एक 5 दिन की दवाई, तो फेथ होता है ना कि ये डॉक्टर है इसने मैं दवाई दी ठीक हो जाऊंगी, पर हाँ क्या हाँ अब हाँ वो आपको प्रॉब्लम नहीं आती, आती है, आती है जबकि तो। बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है हाँ आप हाँ लोग के तो जो लोग मानते हैं। तो हाँ हाँ ऐसा लाइफ है, हमारी कर्म है, हम करेंगे बुरे भी करेंगे, कॉन्शियसली भी करेंगे अनकॉन्शियसली भी हम कर जाते हैं, तो उसके रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं तो ले मिलेंगे, और जो करे हैं वो भी मिलेंगे। तो जब चीजें थोड़ी सी हो तो प्लीज हैव फेथ एंड बिलीव इट एंड डू इट। ओके। तो दैट्स मींस अल्टीमेटली यू कांट से कि भाई मैं एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट या निधि मैम को मिलने गया तो अब मेरी लाइफ में कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द कर्मा ऑलवेज वर्क, और अच्छे और बुरे फेट दोनों आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्मा, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे ना, मैंने ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट इसके देखे हैं नीरव, फिर माय लास्ट 5-6 इयर्स में जब मैंने ये टेक्निक अप्लाई की, एवरीथिंग व्हाट गोज रॉन्ग इन माय लाइफ और एनीबडीज लाइफ, मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ कि ये मस्ट रेमेडी है, इसके अलावा ना स्टार्ट करिए ना कुछ करो, आपने की जो भी आपके संग हुई गुड और बैड की रिस्पॉन्स, अगर बैड हुई है कि मेरे संग हुई नो प्रॉब्लम, मैंने उसे एक्सेप्ट की, थैंक यू गॉड मुझे कुछ सिखाने ही आई थी, अब सब ठीक हो गया है, थैंक यू एंड आई लव यू। सो अब ग्रेटिट्यूड की आपके संग कुछ भी आज हो रहा वो उसका ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, ग्रेटिट्यूड आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जहाँ पर भी देखे वहाँ उस पर काफी एक एम्फसाइज किया गया है, तो उसका कितना रोल है न्यूमरोलॉजी के अंदर अंदर में। बहुत ज्यादा, बिना ग्रेटिट्यूड के तो मैं मानूंगी कुछ भी नहीं है। आज आप मुझे मौका दिया यहाँ पे आके बोलने का, इसमें बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है मेरे लिए आपकी तरफ, और लोग सुन रहे हैं हम दोनों को अपना टाइम निकाल के उनके लिए भी। तो चलिए तो मतलब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी हो एनी ऑकल्ट फील्ड एनी फील्ड आई फील्ड, ग्रेटिट्यूड आपको जरूर रखना चाहिए और अपने एल्डर्स का ब्लेसिंग्स जरूर लेनी चाहिए। ग्रेट। वन मोर क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ ग्रेटिट्यूड की बात आती है, ग्रेटिट्यूड तो करना ही चाहिए हर चीज में, तो जहाँ मॉडलिटीज में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो कनेक्टेड टू द मंत्र साइंस, तो क्या बिल्कुल आप अपनी रेमेडीज में क्लाइंट को या अपने जो भी आपके पास गाइडेंस के लिए आते हैं उन लोगों को क्या मंत्र थेरेपी आप देते हो, मंत्र यंत्र इन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी? बिल्कुल देती हूँ, न्यूमरोलॉजी में भी वैदिक में बहुत सारे मंत्र दिए जाते हैं, लेकिन मंत्र देने के 2 तरीके हैं, उन्हीं को देती हूँ पहले जो उस चीज को एक्चुअली में ठीक से पालन करेंगे। मंत्रों के संग थोड़ा सा ये रहता है कि आपने उस नियम से फॉलो करने चाहिए, उसे में नहीं कि मैं बात कर रही हूँ चलो सुन रही हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका नेगेटिव फिर आप तो रिजल्ट नहीं आएंगे, तो आप हम मतलब किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट को ले तो उसको प्रोसेस से फॉलो करेंगे तो मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। क्योंकि इन मंत्रों के साथ में डू यू ऑल्सो गिव द यंत्र ऑल्सो, मान लो सूर्य का मंत्र आपने किसी को बोल दिया, बिल्कुल तो क्या आप यंत्र भी उसको इंक्लूड करते हो या ओनली द मंत्र थेरेपी वर्क इन रेमेडी? इन न्यूमरोलॉजी यंत्र भी देते हैं, तो आप वो खुद बनाते हो या फिर जो आजकल अमेजोन पे और उस पर आते नहीं हैं नहीं वही यंत्र आप बोलते मैं हो? एक्चुअली बिलीव ज्यादा नहीं करती, इसलिए कि खुद बना के जो एनर्जी आप डालेंगे उसके अंदर उनको चार्ज करना बहुत जरूरी है, अगर आप वहां से अच्छा खरीद भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल कई बार खरीदना भी पड़ता है, हम नहीं बना सकते या नहीं दे सकते, तो फिर आप उन्हें एनर्जाइज करिए। मतलब आप प्राण प्रतिष्ठा क्रिया की बात कर रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ जहाँ मंत्रों की और रेमेडीज की, तो एक क्या टेंटेटिव टाइम रहता है जहाँ पे न्यूमरोलॉजी अपनी रिजल्ट दिखाती है एज अ क्लाइंट को? जब हम
नेम करेक्शन की बात करते हैं तो मेरा पैटर्न है कि मैं 60 डेज उस नेम को लिखवाती हूँ, ऑफिशियली चेंज नहीं करवाती, अनऑफिशियली नेम को लिखवाती हूँ. और पैटर्न है जो लिखवाने का, जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए, कलर ऑफ होता है उस पर लिखा जाना चाहिए, उस टाइम पे लिखे, डिसिप्लिन से लिखे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, तो आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिले. अब आपकी खुद की ऑरा, आपकी खुद की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, रिजल्ट उस पर डिपेंड. कई बार रिजल्ट हफ्ते में भी मिलते हैं, कई बार रिजल्ट दो महीने बाद भी मिलते हैं. रिजल्ट ऐसा नहीं मिलते, बट वो आपकी एनर्जी से कितने सिंक हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी मैच हो रही है, उस पर डिपेंड. जहाँ आपने नेम न्यूमरोलॉजी की बात की है, तो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम है कि सुबह ही करना है न्यूमरोलॉजी का नाम लिखने की प्रैक्टिस, या हफ्ते में 2 बार करना है, या 3 बार करना है, या डेली करना है? 60 डेज लिखना है तो रोज लिखना है. और आप मॉर्निंग लिखे चाहे नहीं, ऑब्वियसली मेरा प्रेफरेंस तो यही रहता है कि आप सुबह जितना उठ के लिखे, फ्रेश माइंड से लिखे, फ्रेश एनर्जी के साथ लिखे, ब्रह्म मुहूर्त में लिखे, तो नथिंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है बहुत हाई होती है. अगर आप नहीं लिखते तो फिर आप किसी भी टाइम लिखे, टाइम को मेंटेन करें, ऐसा ना करें कि कल दोपहर को, आज शाम को, इस तरीके से मत. अच्छा, यहाँ जब न्यूमरोलॉजी की बात आ रही है, तो यहाँ नेम चेंजेस में 2 या 3 लोग आते हैं, एक तो बेबी के लिए आते हैं, एक होती है कि शादी के बाद भी आते हैं. तो शादी के बाद जब हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों अक्रॉस द इंडिया इन डिफरेंट कास्ट, देयर इज अ रिचुअल्स, आई कैन से देयर इज अ कस्टम टू चेंज द नेम ऑफ द गर्ल, स्पेशली सरनेम तो चेंज होता ही है. तो वो ट्रांजिशन जो होता है एक लेडी के लाइफ में, लिविंग हर मेडन सरनेम एंड मूविंग टू टेक द हस्बैंड सरनेम, तो उसमें कितना इम्पैक्ट आता है, और क्या वहां पर नेम चेंज करने से बहुत ड्रेस्टिक चेंज आता है? यहाँ कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम नीता का हम सुमन कर देते हैं, निधि का हम नीता कर देते हैं, या कुछ और नाम. तो राशि के हिसाब से लिया जाता है, या न्यूमरोलॉजिस्ट कोई कंसल्ट करते हैं उस पर नाम लिया जाता है, यहाँ क्या बोलना चाहूँगा? दो तीन बातें बोलूंगी. जब बच्चा होता है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि सबको ये यूज करना चाहिए. आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं, उनको कंसल्ट करिए. जहाँ इतना पैसा लगता है, वहाँ थोड़ा सा पैसा ऐसा इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पे लगाइए कि अगर 1% उसकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी है, जैसा गुड बैड न्यूट्रल, उसके लिए वो आप उसे रोज बुलाएंगे. तो उसको नाम को स्ट्रांग बनाइए पहले तो. और ज्यादा पेट नेम मत दीजिए बच्चे को, एक ही नाम की वाइब्रेशंस को लेने दीजिए और उसी को उतना पावरफुल बनाए. सेकंड, जो नाम हम शादी में लेडीज स्पेशली लड़कियों का जो चेंज होता है, वो ऐसे मेरे हिसाब से बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार उस चेंज की वजह से काफी चीजें या तो पॉजिटिव भी हो जाती है. अगर आपकी लक फैक्टर अच्छा है, अगर ठीक होना, या फिर आपके लिए वो बहुत नेगेटिव भी देखा गया है, बहुत लोग ना मेरे ऐसे आते हैं कि YouTube में हमने पढ़ लिया, देख लिया और हमने अपना नाम चेंज कर दिया. तो जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि आप गूगल करके डॉक्टर नहीं बन सकते, सेल्फ मेडिकेशन करिए. तो मैं भी यही कहूंगी कि प्लीज ऐसे चांसेस मत लीजिए. नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक है, मतलब गूगल पर, यूट्यूब पर देखकर ही लोग अपने हिसाब से करते. तो गाइस, द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी एंड निधि, प्लीज डू केयर. जस्ट जैसे डॉक्टर बोलते हैं, सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, सिमिलरली द सेल्फ न्यूमरोलॉजिस्ट बनना और अपने आप में चेंज कर देना, ये काफी डेंजरस होता है. डेंजरस इन अ सेंस के एक न्यूमरोलॉजिस्ट को पता होता है, एस्ट्रोलॉजर को पता होता है कहाँ पर कौन सी चीजें करने से. जैसे जेमस्टोन, कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि कौन सा जेमस्टोन, तो मैं तो मना कर देता हूँ, क्योंकि वो बिना कुंडली देखे वो उस पर हम कोई अपनी राय नहीं दे सकते. सिमिलरली कोली ने तो एक चीज मुझे याद आई कि लोग जैसे अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, कहीं भी देखोगे, तो आप सुनोगे कि वीनस के लिए 6 नंबर जिसका बर्थ है या वीनस जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको गोल्ड डायमंड पहन, ठीक है, वो भी डायमंड पहनते ही लोगों के यहाँ मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो बिल्कुल लाइफ खराब कर देते हैं. और बड़ा अच्छा, अच्छे सेंट का, क्लैरिटी का, सब कुछ, लेकिन वो उनकी लाइफ चेंजिंग इवेंट थे ऑन अ नेगेटिव साइड.
तो वो बिकॉज के उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन डायरेक्टली वो जेमस्टोन को पहन लिया था इसीलिए। बिल्कुल ऐसे ठीक है पहन लिया, सेकंड उनका वीनस हो सकता है नीच का उनके लिए पॉजिटिव नहीं था। अच्छा, तो ये भी एक अगर जेमस्टोन की निधि हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में, तो जेमस्टोन से क्या फर्क पड़ता है? जैसे नीम न्यूमरोलॉजी पे आपने बताया कि आप 60 डेज लिखवाते हो, तो इसकी भी कुछ शेल्फ लाइफ है जेमस्टोन को पहनने के लिए? हर जेमस्टोन का अपना एक पीरियड होता है, किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5.5 साल, इस तरीके से हाँ आप पहन उसे कंटिन्यूस रहो, लेकिन रिजल्ट वो आपको उसी स्पेसिफिक टाइम पे ही देगा, उसके बाद आप उसे भी पहन रहे हो। लोग ओके हाँ उतारते नहीं, इतना पैसा लग गया अब पहन रहे हैं तो पहन, अच्छा क्यों उतारे, वेस्ट क्यों करें, क्योंकि उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलता। अब आप अच्छा अच्छा 2 लाख का, 2.5 लाख का, 6 साल, लेकिन उसका रिटर्न नहीं है। अच्छा, इसीलिए भी लोग कंटिन्यूअसली में पहनते रहते हैं। तो अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पर, बट उसका पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट और नहीं होगा, जितना देना था वो आपको दे गया होगा। ये मैं मान सकता हूँ कि मान लो पुखराज है, उसने पहन रखा है, पुखराज 1 साल तक के लिए बोला था एस्ट्रोलॉजर ने, उसके बाद भी वो पहन रहा है, तो उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकती नहीं इस उसके पुखराज ज्यादा की? सभी, पुखराज एक बहुत सेफ प्लैनेट है, जैसे गुरु अगर आप देखें तो चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी, नेगेटिव नहीं जाता वो, जहां बैठ नहीं जाए। रिजल्ट। यहां मैं शनि के ऊपर एक बात पूछना चाहूंगा, शनि जिसका नीलम जेमस्टोन है, बिल्कुल तो उस पर आप कुछ बताना चाहोगे? कई लोग बोलते कि शनि हर किसी को सूट नहीं करता, तो शनि के बारे में मतलब उस जेमस्टोन के बारे में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूंगा। न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलूंगी कि शनि अकेले नीलम ही बताया जाता है, कि अगर आपकी 7.5 चल रही है या आपका 2.5 चल रहा है तो आप नीलम पहन लीजिए, ठीक है, और बैठा है ये बताया जाएगा कि आप नीलम पहन लीजिए। लेकिन नीलम इज अ डेंजरस प्लैनेट, डेंजरस जेमस्टोन, ठीक है, उसको ऐसे बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए ऑनेस्टली। तो उसको हमेशा हम उसे लेके एज अ स्टोन आप उसे अपने, आप उसे धारण मत करिए, पर उसे कपड़े में लपेट, काले कपड़े में लपेट के अपने संग कैरी करिए, और या फिर आप के नीचे रख के देखिए कि आपको कैसे सपने आते हैं, उसके अच्छा इफेक्ट लगने लगेंगे। अगर वो आपके लिए नेगेटिव है तो आपको डरावने, ऐसे डरने वाले, अचानक से आपकी नींद खुल जाएगी, इस तरीके के सपने आएंगे ही आएंगे, या आप उसे कैरी होती हुई अचानक से नहीं होगी, पैर ट्विस्ट हो जाएगा, अमल नहीं होता, इस तरह की इंडिकेशन देती है आपके लिए गुड। ओके तो टाइम होता है 4.5 साल का, उससे ज्यादा नीलम नहीं पहनना चाहिए, या आपका जो दशा चल रही हो उससे उसी टाइम पे पहनना चाहिए। लोग बहुत बार क्या करते हैं ना, गलती पहनते हैं, रिजल्ट नहीं मिला, 1-2 महीने में उतार कर रख, फिर पहन लिया, ये अच्छा हाँ सर, तो वो थोड़ा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से सोचते होंगे, अगर नहीं मिलता है तो क्या मतलब है, चलो उतार ही देते हैं इसको, ठीक है। और कई बार ज्वेलरी के स्टोर में भी होता है कि दे गिव यू फॉर एज अ डेमो, मैंने ये भी देखा है, या बॉम्बे में कुछ ज्वेलरी के ओनर्स बोलते हैं आप 2 दिन अपने पास रखिए, उसके बाद आपको लगता है, तो आप मेरे पापा को ऐसा दिया था कि यू कीप इट इन द ब्लैक क्लॉथ जो आपने आपने बताया, और बाद में 2 दिन के बाद देखिए क्या होता है, तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो गए थे, नहीं अगेन गिव बैक टू द ज्वेलर स्टोर, तो भाई मुझे नहीं चाहिए। खुद ने भी नीलम पहना हुआ है, अच्छा बट वो पहना है क्योंकि वो टाइम पीरियड के लिए है, कि जिस टाइम आया उस टाइम पीरियड पे पहनिए, फिर उसको उतार दीजिए। और बाद में आप उतार कर उसको, इट इज कम्प्लीटली ऑफ नो यूज, वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टोन बन जाता है, या उसकी भी कोई आप उसको रीयूज कर सकते हो आफ्टर सम टाइम, या क्योंकि पुखराज, क्योंकि पुखराज एक अच्छा प्लैनेट है, एंड कुछ हद तक एमरल्ड पन्ना, ये दो है, पुखराज मेन और पन्ना टू सम एक्सटेंट आप यूज कर सकते हो, अदर देन दैट बाकी, और मोती आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मोती आपको शांत के लिए, मून के लिए दिया जाता है, चंद्रमा को शांत करने के लिए, जिनको बहुत मूड स्विंग्स होते, थोड़े से ओवर सेंसिटिव होते हैं, इस स्टेबिलिटी आ पाते इश्यूज होते हैं, ये तीनों फिर भी अच्छे, बट अदर देन दैट आपको बाकी नहीं पहनने चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। ओके गॉट इट। अगर ये बात अभी एक ज्यादा आपका टाइम नहीं है, पर एक और क्वेश्चन मुझे दिमाग में आता है, ठीक है, कि क्या केवल अभी जैसा आपने बताया कि 4.5-4.5 साल तक का सफाया यानी नीलम को रत्न को धारण करना चाहिए, उसके बाद आप क्या उसके कनेक्टिविटी में
उस शनि के मंत्र जब देते हो लाइफ लॉन्ग के लिए, या फिर कुछ और रेमेडी उसमें एक्सटेंड करके देते हो? कुछ और रेमेडी एक्सटेंड करके दूंगी उसको, अच्छा उतरवा दीजिए आप इसको, अब उतार दीजिए, क्योंकि देखो प्लैनेट्स तो मूव करते हैं, वो आज महादशा में नहीं आए हैं, अंतर दशा में नहीं है, लेकिन पतंतर दशा में तो आएंगे ही आएंगे ना, अच्छा, इम्पैक्ट आपके ठीक रहे, वो पीरियड आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना लाए, उसको कंटिन्यू करिए। और मेरा मानना है कि वो शनि के जैसे सपोज एक रेमेडीज है कि आप अपने स्टाफ लोअर इनकम एज ग्रुप तो आप उनकी हेल्प, तो ये तो आप रेगुलर भी करते तो वैसे ही अच्छा है। कई लोगों को हम जब मंत्र देते हैं, जब कोई रिचुअल देते हैं, वो बोलते हैं टाइम नहीं है मैम हमारे पास, ऑफिस जाओ यार ये सारी चीजें, अगर उनको जेमस्टोन की वो सामने से इंक्वायरी करते हैं कि सर जेमस्टोन पहन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप मुझे वही बता दो, मैं एक रति एक कैरेट इतना जो भी इसकी यूनिट्स है मैं उतना धारण कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जेमस्टोन ज्यादा प्रेफर करते हो या ये मंत्र थेरेपी इन अ फॉर्म ऑफ रेमेडी आप ज्यादा प्रेफर करोगे? देखो जेमस्टोन्स ना थोड़े से महंगे होते हैं, एक्सेप्ट सही वाले पहने जाए तो ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगी सस्ते होंगे, क्लैरिटी के नहीं होंगे वो इफेक्ट नहीं करेंगे, बट वो थोड़े लेट इफेक्ट करते हैं, और वो प्रॉपर पूजा के साथ पहनने चाहिए तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। Not an easy thing. लोग जिसे सोचते हैं बना पहन लिया, ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर पूजा मंत्र से जब वो क्लींस होता है और पहना जाता है तो उसके रिजल्ट्स अमेजिंग है। अब दूसरी बात ये भी आती है निधि के यहाँ जेमस्टोन के आप बोले क्लींजिंग करके, तो क्या उसमें भी असली और नकली का भेद होता है कि कई लोगों को ठीक है वो कैसे जाना जा सकते हैं? क्या वो एक चीज बोलूंगी, अगर मुझे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती नीलम पहनना या पुखराज पहनना, तो मैं उसकी जगह सिट्रीन पहन लेती हूँ, एक ब्रेसलेट पहन लेती हूँ, उस कलर को अपने अंदर ले लेती हूँ किसी भी फॉर्म में, ठीक है, अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो महंगा जेमस्टोन पहनने से ही मेरी लाइफ में चेंज आएंगे? बिल्कुल नहीं। ओके, तो देयर आर सम अल्टरनेटिव्स आल्सो टू दिस जेमस्टोन। एंड ओके, बढ़िया बढ़िया, इफ कि अगर आप जो चीज अफोर्ड कर सकते हैं, जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं उस लेवल की चीज लीजिए। आप अफोर्ड कर 5 स्टार में खिलाना तो, और दूसरे जिसको खिला रहे वो अफोर्ड नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल, तो आप 5 स्टार में खिलाना है। ओके, मैं समझ गया। वो खिलाता है तो वही खुशी से आप ढाबे में खाना खाइए। इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जहाँ हमने बात कर ली ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर हमने कवर की, जेमस्टोन से लेकर जन्म पत्री, कॉम्पैटिबिलिटी, रिलेशनशिप, करियर एंड हेल्थ को लेकर, अगर मैं बात कहूँ बिजनेस को लेकर, बिजनेस नेम, कई लोग बिजनेस नेम भी रखते हैं एज पर द न्यूमरोलॉजी, तो आपका क्या मत है, मतलब वो कितना हेल्प करता है इफ यू आर पुटिंग द बिजनेस नेम एज पर द न्यूमरोलॉजी? बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज का, यानी कि अपनी तक कंपनी का नाम, अपनी वेबसाइट का नाम, अपने पेज हमेशा अपने न्यूमरोलॉजी के बेस पे रखा है, बहुत सारे क्लाइंट्स का रखा है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, क्योंकि वो आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, डिपेंड करता है आप कैसी कंपनी खोल रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, पार्टनरशिप है, प्राइटरशिप है, साथ में वी आर इनटू द साइकोलॉजी, आप लोगों ठीक से बनाए उस कंपनी का, अगर आप पैकेज जिससे आपको जाना जा रहा है, जैसे हम सिग्नेचर को मैं कवर ऑफ द बुक बोलती हूँ कि वो हमें हमारी आइडेंटिटी है, द सेम वे कंपनी का नाम बहुत बार आपको पता भी नहीं होगा कैसे नाम से रजिस्टर हुई है हम, ओके ओके, लेकिन Amazon सब ब्रांड नेम, Amazon को सब जानते हैं, बच्चे लेके मतलब बूढ़े लोग भी जानते हैं, एवरीबॉडी नोस, लेकिन किस नाम से रजिस्टर हुई है इन द ऑफिस वो किसी को नहीं पता होगा, तो ब्रांड नेम वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
ओके ओके तो ये तो ये कंसिडर बोथ वन बट दोनों को एक अलग अलग एंटिटी के रूप में. अलग रीजन होता है, और किस फील्ड में आप हैं, क्या काम है आपका, वो आपका हाँ नाम आपसे रखा जाता है। ओके ओके क्योंकि आप हॉस्पिटल, यही. फॉर एग्जांपल, मैं वहां पे इल वर्ल्ड लाती हूँ, सपोज जैसे वो मेरे लिए हाँ बेटर है, तो वो हॉस्पिटल के लिए ठीक है, वो हॉस्पिटल में पेशेंट ज्यादा आएंगे, ओवरऑल गलत है, पर हॉस्पिटल के लिए वो अच्छा है, अच्छा है. अच्छा हाँ अच्छा है। बराबर. लेकिन वही इल कंपनी हाँ को रख दूं जो इसमें डील भी नहीं करता, फार्मा में भी डील नहीं करता, वो एकदम ही अलग ट्रेड, फैशन की इंडस्ट्री है, तो उसके लिए वो हाँ तो मतलब द नेम ऑल्सो शुड बी एज पर द इंडस्ट्री स्पेशलिटी प्रोडक्ट वाइज. एब्सोल्युटली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, किस चीज को वो तत्व दिखा रहा है, वो काम क्या करता है, ये भी मायने रखता है. बहुत मायने रखता ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अब निधि जैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे भी, ठीक है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा ऑडियंस में, हमारे साथ में जितने भी ऑडियंस हैं, अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो जो आपके दिमाग में आते हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो अभी लाइव, और अगर नहीं भी आपके दिमाग में भी आ रहा है क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द एंड पुट डाउन द कमेंट्स व्हाट एवर द क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू निधि ऑल्सो. शी इज हेलिंग फ्रॉम द हरियाणा गुड़गांव, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली डीएम टू हर व्हाट एवर द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और अदर लोकल मॉडलिटीज ऑल्सो. तो कोई क्वेश्चन होंगे आप लोग डाल सकते हो. अभी मैं देख रहा हूँ हमारे साथ में 3-4 लोग जुड़े हुए लाइव. क्वेश्चन होंगे तो निधि आपका क्वेश्चन देंगे, दैट विल बी अ जनरलाइज. ओके डोंट फील के यहाँ आप पूछोगे निधि को के मेरे बारे में पूरा बता दो. ये एक मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के लाइव सेशन में देखता हूँ, लोग चाहते हैं इंस्टेंटली जम करते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ, निधि मैम ये है मुझे बताइए पूरा. वो पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज वो जनरलाइज नहीं हम कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज जितना मैं जानता हूँ. तो हाँ आप क्या बिल्कुल बोलोगे? ठीक बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हो नीरज सर, है हमें लेकिन एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। ठीक है. जैसे टैरो कार्ड पे लोग बहुत इंस्टेंटली अपने ऑडियंस को लाइव लाने के लिए वहीं लाइव शुरू कर देते हैं, ठीक है. पर यहाँ पर ये पॉसिबल है क्योंकि न्यूमरोलॉजी जितना मैं जानता हूँ कि आपको कस्टमाइज नाम या कस्टमाइज प्रेडिक्शन दिया जाता है, ना कैन नॉट बी जनरलाइज, ठीक है. तो यार आई जस्ट एंड विद द सेशन, आई थिंक इट्स गोइंग मोर देन 45-50 मिनट्स. तो मैंने जो बेसिक क्वेश्चन थे, हाँ मुझे भी नहीं पता था क्योंकि यहाँ मेरा और भी बहुत सारी चीजें, अभी 12 बजे मुझे ब्लॉग पब्लिश करना है. अच्छा सो यार आई एंड विद माई सेशन, एंड अगर किसी के क्वेश्चन होंगे वो प्लीज यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए कमेंट्स में. निधि विल आंसर योर क्वेश्चन बट दैट विल बी अ जनरलाइज क्वेश्चन आंसर, इट कैन नॉट बी डेप्थ. इन डेप्थ अगर चाहिए यू कैन कनेक्ट विद निधि. निधि का हैंडल भी है, निधि निधि आपका अपना हैंडल्स आप डाल दीजिएगा कमेंट्स में. तो दोस्त वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू फॉर अ कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग. बाय द वे निधि इज ऑल्सो वेरी गुड इन टू द ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन इन बोथ एरियाज. तो दोस्त वॉन्ट टू गो फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशन, शी इज अवेलेबल टू फॉर दैट. एंड हर वेबसाइट इज ऑल्सो देयर. निधि आपकी वेबसाइट का नाम मैं भूल गया, आप www.co.in प्लीज कमेंट में मैं डाल भी दूंगी। आप डाल दीजिएगा, ठीक है. एंड थैंक यू वेरी मच कंटेंट बाजार 24 फॉर कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच निधि फॉर कमिंग टू माई लाइफ. थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, आपके लेकिन कनेक्ट होना हमें, मेरी मतलब ऑलवेज आई एम लकी, एक्सपीरियंस थैंक यू. एंड हिज नॉलेज इज अमेजिंग। या दैट्स अ गॉड ग्रेस आई ऑलवेज कंसीडर, ठीक है. थैंक यू। या यस प्रतिमा जी, आई विल ऑलवेज कीप इट लाइव और शेयर कर दूंगा न्यूज फीड पे, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये रहेगा मेरी फीड पर, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. तो थैंक्स फिर सर, मिलते हैं अगले हफ्ते, एंड थैंक यू निधि फॉर योर टाइम. ओके थैंक यू, बाय बाय। बाय. ओके बाय.